अब बट एक क्वेश्चन और है डाउट में, शो दैट रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस टू कॉस 8 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी आइडेंटिटी याद की जानी है मेरे को आपको, वो है cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos² θ - 1। बट एक बात ज़रा ध्यान से नोटिस करना, अगर इस 1 को मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी ये मेरा बनेगा 1 + cos 2θ इज इक्वल्स टू 2 cos²θ। ये एक फॉर्मूला है जो क्लास 12 और क्लास 11 में बहुत काम का है। सो कभी भी अगर आपके सामने लिखा हो 1 + cos 4θ तो क्या करो, इस फॉर्मूले का यूज़ कर दो। समझो कैसे, अगर यहाँ 2θ था तो यहाँ थीटा है, राइट। इसी तरह अगर मान लो यार 4θ कर दूँ, 1 + cos 4θ, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 2 cos² 2θ। एक और लो, अगर लेट से मैं यहाँ पे कर दूँ 1 + cos 8θ, यहाँ कर दूँ 8θ, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 cos² 4θ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक लास्ट, अगर 1 + cos θ कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos² θ/2। बेसिकली यहाँ 2 है तो यहाँ 1, हाफ एंगल है। आओ अब क्वेश्चन कराते हैं। अब इस पे ज़रा नोटिस करो, रूट में 2 + √2 + यहाँ से 2 कॉमन क्या बचा, 1 + cos 8θ। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, अभी जो ऊपर पढ़ा हमने, √2 + √2 + √2 cos² 4θ क्या हो जाएगा, √2 + 2, ये 2 2 4, 4 cos² 4θ। अब 4 का रूट 2, तो 2 बाहर, 2 + √2 + 2, 4 का रूट 2 और cos² 4θ का cos 4θ, ये बाहर। अगेन कॉमन लो, 2 + √2, 1 + cos 4θ क्या हो जाएगा, √2 + √2 cos² क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंगल हाफ, यानी 2θ। फिर से सेम, 2 2 2 4, 4 का रूट 2, तो सीधा कर देते हैं 2 और cos² 2θ, जैसा यहाँ पे करा, cos 2θ बाहर, अगेन कॉमन, √2, 1 + cos 2θ क्या हो जाएगा, 2 × 2 cos² θ, 2 2 बाहर आ गया, cos² का cos θ, 2 cos θ, hence proved, यही प्रूफ करना था।